बेड पे बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैरिड कपल्स या बॉयज क्या कुछ ट्राई नहीं करते हैं, बट उनको फिर भी कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिसका नाम है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक्स क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं या आपके डिक में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएगी, एंड किस टाइप से स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक्स आपकी प्री मैच्योर एजुकेशंस की प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ एक ये सिंपल सा मेथड होता है जिसको आप ड्यूरिंग सेक्स या परफॉर्म करते वक्त या मैस्ट्रुबेशन करते वक्त आप इसको अपनी हैबिट्स में डालते हैं तो आपको प्री मैच्योर एजुकेशंस की प्रॉब्लम्स में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि आपने आज इस मेथड को अप्लाई किया या इस टेक्निक्स को अप्लाई किया और आपको आज ही बेटर परफॉर्म मिल जाएगा या आपकी टाइमिंग बूस्ट हो जाएगी, ऐसा इस मेथड में कुछ नहीं होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसको आप 4 से 5 बार अप्लाई करते हैं और अपनी हैबिट्स में डालते हैं तो आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी जो प्री मैच्योर एजुकेशंस की प्रॉब्लम में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक्स को अप्लाई कैसे करें या हम परफॉर्म कैसे करें। इसको अप्लाई करना बिल्कुल ईजी होता है। आप मैस्ट्रुबेशंस के वक्त या ड्यूरिंग सेक्स जब भी आप रिलेशंस बनाते हैं तो मोस्टली मेल्स को पता होता है कि मेरा सीमेन का डिस्चार्ज होने वाला है, तो उस कंडीशंस में आप पेनिस का जो आगे का भाग होता है, ग्लैंड्स होता है, उसको आप होल्ड कर सकते हैं और होल्ड करने के बाद आप 5 to 10 सेकेंड इसको होल्ड करके रखते हैं प्रॉपरली और फिर आप नॉर्मली रिलैक्स पोजिशन में आ जाते हैं और अपनी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड आप उसके बाद आप पेनिट्रेट कर सकते हैं या मैस्ट्रुबेशन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका डिस्चार्ज भी नहीं होगा और आप परफॉर्मेंस के लिए वापस से आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा और आप ट्राई कर सकते हैं परफॉर्मेंस को करने के लिए। आप ड्यूरिंग सेक्स इस मेथड को 2 से 3 बार आप इसको अप्लाई करें जिससे आपका टाइम पीरियड जो 2 मिनट 3 मिनट चल रहा है वो 10 से 15 मिनट्स का हो जाएगा एंड इस चीज को आप हैबिट्स में डालकर अपनी एक अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि इस टेक्निक्स में स्टार्टिंग में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, काफी केसेस में देखा जाता है कि मिड में आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे आप धीरे धीरे इनको अपनी हैबिट्स में डालते हैं तो आपको आगे चलकर ना किसी टाइप्स की मेडिसिन खानी होगी, ना किसी टाइप्स का ऑयल यूज करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से आप अच्छा रिलेशन भी बना पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी में या आपके डिक में किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इसका किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है, हालांकि इसका बेनिफिट बहुत अच्छा देखा जा रहा है। साथ ही डिक में जो आपके स्पर्म डिस्चार्ज होता है उसको आपकी होल्डिंग पावर्स को इम्प्रूव करता है, आप स्पर्म को होल्ड करने की आपकी हैबिट्स बढ़ती है एंड जैसे जैसे आप होल्ड करते हैं तो आपके पेनिस में जब इरेक्शन टाइम में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बेटर होता है तो आपको इरेक्शन भी बहुत बेटर आने लगता है, साथ ही आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की कंडीशंस में भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।